all the Sahitya Academy Award and also a political and social activist for last several years after completing his education from St. Joseph's. To win the conversation with him, we have another author personality, Mr. Ram Kishore Sharma. So I request Mr. Ram Kishore Sharma. आपको बधाई देता हूँ और मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था आपके कुछ पात्र उड़ीसा से हैं ये भी मुझे बात अपना बोल रहा था उड़ीसा के जिसमें महीने लगने की जरूरत नहीं है दो दिन में मैंने ये पूरा पढ़ा कई बार उपन्यास में ये कहा जाता है कि पहले 10 पन्ने पढ़ लो और लास्ट के 10 पन्ने पढ़ लो बीच में पढ़ने की जरूरत है नहीं लेकिन ये उपन्यास उससे बिल्कुल अलग है उषा का वो पार्टनर था और मकर संक्रांति में हम लोग दही चूड़ा खाते थे बिहार में मैं उसी के साथ जाना कि मकर संक्रांति इतना बड़ा पर्व होता है वो मिट्टी का घड़ा हुआ ले आकर उनमें हम लोग जो कि खिचड़ी और पखड़ो जो रात को बनाकर सुबह क्या करता है किताब से है किताब के कारण ही यहाँ पे हूँ तो किताब पर बात होगी इसका नाम डार्क पर से इस बात को लेके आलोचना तो निश्चित रूप से आलोचना हुई और लोगों का ध्यान भी खींचा इसी बात में क्योंकि नए लोगों के लिए तो जिस तरह से कई बार फैशन में फटा हुआ जींस आपका ध्यान खींच लेता है अगर कंपनी पर ध्यान ना जाए तो जब लोगों को लगने लगा कि पेपे पहनने के बाद ली पहनने के बाद भी अब पब्लिक देख नहीं पा रहा उस पैक निकाल के तो टैग दिखता नहीं है तो फिर फैशन कंपनियों ने फाड़ा पैंट को अब दिखेगा तो उसके बाद जब एक बार फटने से नहीं दिखा तो 6-7 जगह फाड़ने लगे तो देखते हैं कि आप पैंट कहीं कहीं लगता है कि पैंट भी था कभी ऐसा कभी लोग तो उसी तरह से कई बार लगता था कि अंग्रेजी का इस्तेमाल हिंदी में हम लोग पहले इस तरह से करने लगे थे कि लोगों का नजर तो खींच लेगा कि अच्छा अंग्रेजी बना में क्या होगा देखें जरा सा तो समान तौर पर लोगों ने भी इसी तौर से भी लिया होगा लेकिन जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो डार्क हॉर्स का मतलब और वो पुराने फिल्मों में होता था और उसमें से जो सबसे मरियल घोड़ा होता था जिस पर कोई दाव नहीं लगाता था कई बार ऐसा होता था कि रंजीत का घोड़ा हार जाता था जो अरबी नस्ल का होता था और जो हीरो विनोद खन्ना अमिताभ टाइप का होता था जो 200 रुपया जिस घोड़े पर लगाता था और कहता था कि चेके मेरा घोड़ा जीतेगा तो वो मरियल सा घोड़ा निकल जाता था तो उसी खेल में इस्तेमाल करते हैं डार्क हॉर्स एक ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने दाव नहीं लगाया तो सिविल सर्विसेज में आप किसी पर यह दाव नहीं लगा सकते हैं कि यह घोड़ा जीतेगा कि नहीं जीतेगा हर व्यक्ति के अंदर एक संभावना है आप सब बीज रूप में हैं कौन सा आदमी बरगद बन जाएगा ये कोई नहीं जानता है और जब आप आम जिंदगी में जब आप लोगों को देखेंगे अपने आसपास तो आप सफल लोगों की जब कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सब बिल्कुल सामान्य शुरुआत करने वाले लोग थे मतलब देर बात कर दूंगा तो दो बात बन सकता है एक तो सीधे शब्दों का अनुवाद कर दीजिए तो करिया घोड़ा काला घोड़ा कोई सेंस नहीं बनता है अगर मैं डार्क हॉर्स को मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करता हिंदी में तो छुपा रुस्तम आता है तो छुपा रुस्तम है रुस्तम सर दिख रहा है कि ये आदमी रुस्तम तो है बस थोड़ा देर छुपा हुआ 10-20-30-40-50 पढ़ने के बाद खुल जाएगा केवल इतना इंटरेस्ट रहेगा कब खुलता है यानी कि मैंने कहानी तो अपने पहले ही पढ़ने पर कह दी कि ये छुपा रुस्तम है तो मुझे ये लगा नहीं सही तो ये अंग्रेजी जिस तरह से हिंदी के शब्दों की ताकत है कुछ कि योग को अंग्रेजी में भी योग ही बोलते हैं गुरु को अंग्रेजी में भी गुरु ही बोलते हैं उस तरह से इंग्लिश के भी कुछ शब्द हैं ऐसे जिनको आप हिंदी उर्दू फारसी में नहीं बदल सकते हैं अपने जीव के कारण तो मैंने डार्क हॉर्स को जीव का क्यों लिया क्योंकि मुझे लगता है साहित्य किसी भाषा की सेवा करना ही नहीं है या किसी भाषा के लिए नौकरी करना नहीं है साहित्य असल में मैसेज देना भी है साहित्य असल में अपना संदेश देता है ये है ऐसा नहीं कि मैं अगर हिंदी का लेखक हूं तो मैं उड़िया के शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि इससे हिंदी का गौरव गिर जाएगा मैं युद्ध नहीं लड़ रहा हूं साहित्य के माध्यम से लेखक तलवार लेके भाषा के लिए तलवारबाजी नहीं करता है उसके सामने ये स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसको इतना उदार लिबरल होना चाहिए कि दुनिया के तमाम भाषा ये है कि कौन से विषय को ले जो भी विषय होता है उसको लगता है कि इस पे तो 2-4-6 बुक हो रहे हैं आपने इस विषय को जो चुना एक दूसरा विषय था जो इंजीनियरिंग वाला था जिस पर 3 इडियट बनी ये विषय जिसको कहा जाता है कि
फर्स्ट लेयर है ना, और हर माँ बाप का एक सपना होता है आईएएस बने, सिविल सर्विस पास करे, है ना। तो ये विषय आपने कैसे चुना, ये तो कहाँ से असल में ये है सर कि मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं वो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग होंगे जी, क्योंकि समोसा तो हर जगह मिल रहा है उड़ीसा और मुझे लगता है इससे बड़ा साहित्य में भी होता होगा तो ये पक्का है कि साहित्य में रुचि वाले लोग हैं, तो इस कारण से उन लोगों के बीच में बात करने का एक आनंद भी अलग होता है, सीखने का भी मौका हम लोग को भी मिलता है जहां जाते हैं। इसमें क्या है कि जब आप विषय का चयन जब कोई लेखक करे तो उसको इस बात से बेफिक्र होना चाहिए कि इस विषय पर क्या कभी लिखा गया है, क्योंकि 5000 वर्ष की सभ्यता है, संस्कृति है, अमूमन आपके हर मनोविज्ञान पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, आप कुछ नया नहीं कर देंगे, कोई चमत्कार आप नहीं करने जा रहे हैं। नया सिर्फ यह है कि जो व्यक्ति लिख रहा है वो अपने कहन में नया है कि नहीं, यानी कि राम बाजार जाता है कि अगर मैं 10 व्यक्ति से कहवाऊं तो 10 की शारीरिक भाषा हो सकता है कहने में अलग हो, आपके जो गहन है आपका वही आपको नया बनाता है, वही आपको साहित्यकार नया साहित्यकार बनाता है, बाकी आप विषय नया नहीं चुनते हैं, आपके कहने की शैली नहीं होती है। और कई बार उपमान, तुलसीदास कहते हैं जब सीता के जब वर्णन करने लगे तो कह रहे हैं कि सब उपमा रही जूठारी, सारे उपमान तो झूठे हो गए हैं, सीता मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं, सारे उपमान झूठे हो गए हैं। तो तुलसी यही कहते हैं कि जब नए उपमान तुम ढूंढोगे तो ही साहित्य असल में नया होता है। तो मेरे सामने यह था कि मैं अपने समय का उपमान ढूंढ पा रहा हूं कि नहीं, मैं सिंबॉल जो निकालूंगा, मैं जो शब्द निकालूंगा वो मेरे समय का है कि नहीं है। तो मैंने जगह लिखा है कि जब आईएएस की तैयारी करने वाले बेटे को बाप छोड़ने जाता है तो ऐसा लगता है कि संदेह और उत्साह दोनों उसके चेहरे पर बराबर होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बाप पीएसएलवी छोड़ने जा रहा हो। वैज्ञानिकों को आप देखिएगा जब नासा से छूटता है तो उसको लगता है कि ये पता नहीं अंतरिक्ष में जाकर साबित होगा या नहीं होगा, लेकिन छोड़ने के बाद तालियां सब बजाते हैं कि जा तो रहा है अंतरिक्ष की ओर। तो एक जब आप तैयारी के लिए भेजते हैं अपने बेटे को तो अब पता नहीं अंतरिक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा, जाते ही वहां पर बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन उत्साह आप में है और संदेह भी है कि पता नहीं चूक गया तो खत्म हो जाएगा। तो अब ये उपमान मैंने कहां से निकाले, मैंने पीएसएलवी का उपमान अपने समय से किया। मेरे समय में पहले अगर कोई व्यक्ति लिखता हो सकता है कि वो इस तरह से भी लिखता कि जब छोड़ने जा रहा था माता पिता तो एक साथ उनके मन में होता है कि बेटा वनवास पे जा रहा है, सीता लेके आएगा कि नहीं, ये भी एक रिजल्ट को सीता का उपमान दे सकता था, तो मैंने पीएसएलवी कर दिया। तो ये एक है। और दूसरी बात है कि इसी विषय को इसलिए चुनना था कि मैं खुद आईएएस की तैयारी करता था, मुझे आगे अगर शुरुआत करनी है तो शुरुआत कम से कम ईमानदार होनी चाहिए, उसके बाद तो जीवन भर बेईमान लेखन चलता रहे चलता रहेगा मुझे, उसके बाद तो वो लिख के चमत्कृत करते रहिए बैठ के, फिर ठगिए लिखिए, ठगिए वो कविता सुनाइए जो आपके जीवन से होके गुजरी ही नहीं है, जिसको आपने खुद सड़क में खरीदा था। तो झोला में कभी कविता लेके आता है मंच पे सुनाता है, फिर झोला में भरता है भाभी को जैसा खेल दिखाया समेटा डबरू उमरू लेके चला गया। तो फिर जीवन में जब साहित्य वैसा भी हो जाएगा तो किया जाएगा, मुझे लगा शुरुआत ईमानदार होनी चाहिए, आपने जिस जीवन को देखा सच में देखा वहां से अगर कुछ ईमानदारी से लिख पाए तो बेहतर होगा। इसलिए आप इस ईमानदारी की बात कर रहे हैं, सबसे साहित्य में ये कहा जाता है कि साहित्य मर्यादा में बना रहना चाहिए, उसकी भाषा बहुत मर्यादित होना चाहिए। जब मैं इसमें पढ़ा था तो कई जगह ऐसे शब्द और ऐसी चीजें आई हैं जो मुझे लगता है कि जो मर्यादा की बात करने वाले लोग हैं, मर्यादा के जो पक्षकार हैं, पैरोकार हैं, तो उनको शायद ये लगेगा कि इसमें मर्यादा को तोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है, मरोड़ दिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उसमें देखें पात्रों के हिसाब से देखें तो वो बहुत नेचुरल आती है। क्या कारण रहा कि आपने कौन सी मर्यादा को आपने पाला इस उपन्यास के? असल में क्या है कि हाँ, पात्रों की भाषा को लेकर भी कई बुजुर्ग साहित्यकारों ने, जैसे मेरे दादा नाना हमें समझाते थे वैसे वो भी समझा रहे बेटा गाली, कुछ गालियां इस्तेमाल की गई। असल में क्या है कि गाली
या भजन, ये लेखक नहीं लिख रहा है। आप पात्रों से लड़खती नहीं करवा सकते, आप पात्र से रंगवाजी से बात नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें जन्म दिया तुम मेरी भाषा बोलो। पात्र परिस्थिति से पैदा होते, आपका काम है आप कहानी का प्लॉटिंग कीजिए और जो कहानी बनी उसके पात्र खुद ब खुद नेचुरली पैदा हुए, अब पात्र अपनी भाषा बोलेंगे। अब भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का अगर मेरी कहानी का उपन्यास में है तो मैं उससे कैसे बुलवा दूंगा कि हे आर्य मैं फेयर होटल के सामने परिक्रमण करते हुए मैंने तुमको धूम दंडिका जलाते हुए देखा था, इस तरह से धूम दंडिका प्रज्वलित करके तुम कहां भुवनेश्वर परिभ्रमण कर रहे थे, तो हम पागल खाना भर्ती हो जाएंगे। हिंदी का ही पाठक जो है पागल खाना भेज सकता, यार तू क्या भाई, मेरे पात्र मेरे समय के। तो रही बात मर्यादा की, आपको जितना काम करना है भाषा पे संस्कार पे अपने सोसाइटी पर करिए, साहित्यकार पर मत करिए। साहित्यकार अपने समय को दर्ज कर रहा है, आप जो अपने सामने उसको दे रहे हैं असल में साहित्यकार उसको दर्ज कर रहा है। साहित्यकार अपने पात्र के कान में नहीं बोलता गाली दो, पात्र बोल रहा है साहित्यकार को मैं गाली दूंगा, क्योंकि मेरा समय मेरा संस्कार मेरा परिवेश ऐसा है तुम लिखो, क्योंकि तुम हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम इस कहानी के पात्र हैं और जिंदा पात्र हैं। तो यहां पर ये बात है। तो असल में मर्यादा मैंने भूमिका में लिखा है कि मुझे एक तरफ झूठ लिखना था सच लिखना था कि गाली देते हैं लोग, और एक तरफ कि मैं सील भंग ना करूं भाषा का, मैं मर्यादित लिखूं। तो मुझे लगा कि सच लिखना ही सबसे बड़ी मर्यादा है। उस तरह के भाव उस तरह के फीलिंग्स आपने लाया कि जिस समय माँ बाप अपने बेटे को मुखर्जी जगह के लिए बिठाते हैं जहां IAS कोचिंग होती है दिल्ली में, एक तरफ तो उनका सीना छाती से फूला है और उनके सामने वो लाल बत्ती दिख रही है कि अब बेटा जा रहा है मुखर्जी नगर लेके और लेके लाल बत्ती आएगा, लेकिन दूसरी तरफ माँ बाप के अंदर बिछड़ों का दर्द संतरास पीड़ा झलक रही है। और उसमें एक डायलॉग है, जब वो पिता संतोष को लेके जाते हैं तो पत्नी से कहते हैं कि अभी हमारा खाना मत बनाना, हम कुछ काम को वहां पर काम है, लेट हो जाएगा, वास्तव में काम नहीं है, बेटे को बिछुओं का दर्द है पीड़ा है, लेकिन फिर भी सीने पर पत्थर रख के वो वहां पर भेजते हैं। और आज हमारे परिवार में आज हमारे समाज में आ गया, आप उस चीज को कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो है कि ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल सीन किसी फिल्म का दिखे आपको, ऐसा आपके आसपास होता है, आपका बेटा खुद भी काबिलों के बीच जब घर छोड़ता है तो आपको फील होता है कुछ अधूरापन, यह है, ये कुछ ड्रामा होते हुए ये सच में है, ये है, इसको आपको मानना होगा। हालांकि यश चोपड़ा की फिल्मों ने इसका भी मीनिंग खत्म कर दिया है, फिर भी यह है बच गया है, वो हल्का सा बैग लेकर शाहरुख खान जो कहीं निकलता है तीन चार गाना उसके पीछे चलता है तो आपको लगता है चली जाए घर से ऐसा बच्चा घर है तुम्हारा, है ना, लेकिन फिर भी यह है हमारे समाज में, चूंकि हमारे कल्चर में है। मैं तो बिहार उड़ीसा जैसे राज्य को अभी भी शहर ही है, महानगर अभी नहीं बने, और अच्छा है कि संगमरमर पर भी घास साफ उगा है, यह बहुत अच्छा है। अगर मैं भुवनेश्वर के इतने बड़े होटल में हूँ जहाँ चारों तरफ हजारों पेड़ है तो मुझे लगता है कि संगमरमर में भी अगर घास उग रहा है तो जमीन अभी भी आपकी उर्वर है, इतना ही रहिएगा, इससे ज्यादा शहर मत होइएगा, इतना गांव तो बचा रहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे तरफ क्या है ना कि पलायन जो है वो केवल मजदूरों का नहीं है, दर्द इसलिए भी ज्यादा है, दर्द इसलिए है कि बेटा केवल नहीं जा रहा है, बेटी नहीं जा रही है, बेटा जा रहा है और संघर्ष करने जा रहा है, सब कुछ उसको ब्रेड बटर साथ नहीं मिल रहा है, संघर्ष करने जा रहा है। तो हिंदुस्तान में पलायन केवल हिंदी साहित्य की कविताओं में मत देखिए कि ये वो कपार पे मोटरी और छोटरी लेके बस से जा रहे हैं लोग या ट्रेनों में ठूस के जा रहे हैं, कई बार NCERT की किताब को लेकर जो विद्यार्थी घर से झोला लेके निकलता है जिसमें सत्तू होता है निमकी होता है पेड़ा होता है घर का ठेकुआ बना होता है, कई बार ये लोग भी पलायन के शिकार होते हैं और ये सच में पलायित होते हैं और घर द्वार इनका छूटता है। तो ये जो दर्द है जिस युवा पीढ़ी को अब तो सरकारें कहने लगी है कि पकौड़ा वकौड़ा बेच के भी काम निकाल लो उनसे पूछना चाहिए कि
सात साल छह साल आठ साल जब आप ये पलायन झेलते हैं, जब आप ये संघर्ष झेलते हैं, उसके बाद जिस हाथ में एनसीईआरटी की किताब थी, जिस हाथ में हुनर था दुनिया को बदलने का, वो हाथ किस तरह से छमोटा उठाएगा? कितना, ये किसी सरकार की और किसी नेता की बात नहीं है, हम सोच में कितने क्रूर हो गए, हम कितना निर्दयी होकर सोचने लगे, हम किसी के संघर्षों का मोल कैसे चुका रहे, क्योंकि हमको लगता है कि रोटी बस चाहिए उसको ना, हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या देके हम रोटी चाह रहे हैं, मेरा कितना इन्वेस्ट हुआ है, मेरा लगा कितना है, उसके बदले में हमको जो देना चाहिए था सिस्टम को। तो सिस्टम कई बार किसी की भी हो, कई बार अनचाहे में बहुत क्रूर हो जाती है, बहुत निर्दयी हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है उसने अनचाहे क्या कर दिया। आठ साल दस साल के बाद लड़के का चेहरा नहीं, आधार कार्ड से मिलाना पड़ता है, मेरा लड़का है जो मेरा था, इतना टाइम तक चेंज लेके आता है बेचारा, इतना हिप्पी कट लेके जाता है जुल्फ है बंगाल की, आता तो पठार लेके आता है तिब्बत का, कुछ नहीं रहता, इधर से बंगाल में गया सर पठार लेके आता है बेचारा गया, इधर से गया तो मां कहती थी कि आंखों में समंदर है इसका, उधर से आया तालाब में बचाव कर दिया बेचारा। तो आठ दस साल में क्या क्या उसकी जिंदगी में बदल गया है, ये जो संघर्ष है ये आपको कई बार द्रवित करता है, कई बार आपको फाड़ देता है अंदर से। और असल में हिंदुस्तान इन्हीं संघर्ष करने वाले लड़कों से बदल रहा है, उन्हीं लड़कियों से बदल रहा है। यूपीएससी में जब सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ, जी जी जी, तो हिंदी पट्टी के जो छात्र थे उनको बड़ी मुश्किल हुई। हाँ, बिल्कुल बाहर हो गए थे। और वो सी सेट के अगेंस्ट में जो बुलंद आवाज और जिस आंदोलन का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया, जिस युवा ने किया, वो हमारे सामने और उससे पॉलिसी में चेंज आया, पॉलिसी में चेंज आया। और अभी फिर जैसे आप चर्चा में बता रहे थे कि अभी ये कहा गया है कि यूपीएससी के एग्जाम पास करने के बाद आपको जो कैडर मिलेगा वो मसूरी में आप जो परफॉर्मेंस करेंगे ट्रेनिंग के दौरान वो आपको कैडर डिसाइड करेगा, और मसूरी में जो एग्जाम होगी, जो पढ़ाई होगी, वो सिर्फ इंग्लिश में होगी। तो आज फिर वही समस्या है कि जो भारत का जो रूरल और गांव का जो युवा है वो इतनी मेहनत करने के बावजूद आज वहां मसूरी में दोयम दर्जे का अपने आप को महसूस कर रहा है, क्या इसके खिलाफ भी वही संघर्ष की? हाँ, यही है क्योंकि वही मैंने कहा ये सारी बातें एक ही जड़ से जुड़ जाती है कि क्यों महसूस करता है, क्योंकि आपको अपनी भाषा, अपने परिवेश, अपने कल्चर के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लगता है शुरू से आपको बताया जाता है कि ये दोयम दर्जे का है, आप उड़िया बोलो यानी सेकेंडरी आपको समझाया जाता है, ये भी रखना, आप पूजा पाठ संस्कार थोड़ा सा आप में है, थोड़ा सा आप कस्टम आपका बचा हुआ है, ये भी रखना बस, आप हमेशा उसको लेकर कॉन्फिडेंट कभी नहीं। हम लोग ट्रेन में भोजपुरी बोलते हैं तो पता नहीं कान में बोलते हैं तो सुन लेगा तो पता नहीं क्या समझेगा, बैकवर्ड समझेगा, मैथिली बोल रहे हैं तो बैकवर्ड समझ लेगा क्या, आपको भी लगता होगा आस पास जब तक 25-30 की संख्या में आप नहीं होंगे नहीं बोलते हैं, 25-30 में होंगे तो उड़िया में गाली दे देगा तो निकल जाएगा मामला पूरा, या बंगाली में आए हम लोग भोजपुरी मैथिली में, तो आपको हमेशा इस देश में इतना वैरायटी है, उस वैरायटी के बीच में कॉन्फिडेंस लैक कर रहा पूरा, उसको हटा दिया गया, आपको बताया जा रहा है कि सब चीजें सेकेंडरी है, इसका प्रभाव पड़ता है आपके परफॉर्मेंस पर, और आपका जो परिवेश, जो कॉमन परिवेश है जिसमें इंग्लिश आ गई है, देखिए इंग्लिश इसलिए इस देश की भाषा नहीं बन गई क्योंकि किसी ने कलपट्टी पर शिक्षा रख के बनाया है, अंग्रेजी पेट से जुड़ गई, आप इसलिए नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी कि वो ऊपर जाकर शेक्सपियर को पछाड़ेगा, आपको विलियम वर्ड्सवर्थ को वो पराजित कर देगा, इसलिए आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप केवल इसलिए अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं कि वो अंग्रेजी पढ़ेगा तो अच्छी अच्छा जॉब पाएगा। आज अगर आपको अपनी भाषा में कलेक्टर पैदा होने लगे तो हर घर में आप उड़िया पढ़ाने लगेगा, अगर अपनी भाषा में कलेक्टर बनने लगा बच्चा तो आपको याद ही नहीं रहेगा, दुनिया के तमाम देश अपनी भाषा में जो काम कर रहे हैं उनको पता भी नहीं कि अंग्रेजी कोई भाषा है तो है, मैंने इसलिए एक जगह लिखा है कि अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है, हिंदी व्यवहार की भाषा है।
ट्रेंडिंग अभी शुरू हो गया है वो वाइन और स्कॉच से, अभी हम लोग बेलोपोड़ा और वो सब भी बहुत पीते हैं आजकल। यस्टरडे हमने स्टेटस में डाला है कि रिलैक्सिंग विद यमी बेलोपोड़ा एंड पोड़ो पिठा, जो कि हमारा यू नो उड़ीसा का बहुत फेमस है। इट हैज स्टार्टेड टू ट्रेंड नाउ कि हम लोग अभी अपना कल्चर लाइक हम लोग अगर प्यार करते हैं हमारा अपना आर्ट और कल्चर, सो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। हां बिल्कुल, ये देखिए इतिहास सभ्यता एक चक्र है जी, उसको घूमना है। अगर वो नहीं घूमती तो दुनिया की सारी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी होती, क्योंकि सब एक जब एक राह में जाएगी तो एक दिन समुद्र आ जाएगा, वो डूब जाएंगे। नहीं है, सभ्यता एक चक्र है, वही चक्र जो आपके जगन्नाथपुरी के रथ में लगा हुआ है। तो वो घूमता जाए तो वो अपने आप को दोहराता है। तो यही भारत के सभ्यता की ताकत है कि आप उसको हवा में भी उछाल देंगी तो गिरेगा बिल्कुल निशाने पर, टूटेगा नहीं। दूसरी किताब है एक पंचायत चुनाव के दायरे में मैंने वो कहानी लिखी है, प्रेमचंद। वो आजादी के पहले उनका निधन हो गया था, तो उन्होंने चुनाव नहीं देखा था, इलेक्शन नहीं देखा। तो मेरे दिमाग में ये फ्रेमिंग था कि वो जो प्रेमचंद का जो गांव होगा या उस समय का जो साहित्य था, वही गांव 2000-2005 में कहाँ है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो पूरी महाजनी कहाँ है, वो कल्चर कहाँ गया, वो किसानी कहाँ गई, वो मजदूरी कहाँ गई, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कहाँ कहाँ है। कई चीजें कॉमन भी हैं जो बिल्कुल नहीं बदला है 70-80 सालों में, और कई चीजें बदल भी रही हैं। टेक्नोलॉजी आ गया है बहुत, अभी 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कुछ तंतु ऐसे हैं सोसाइटी के पॉलिटिक्स के जो सेम है तब से लेके अब तक, मतलब मौर्य साम्राज्य से भी ढूंढेंगे तो अभी तक षड्यंत्र का फॉर्म नहीं बदला है। अभी हम लोग षड्यंत्र में इनोवेटिव कुछ नहीं कर पाए, आज भी कुछ नहीं हो पाया, मैच खराब हो गया, लगा इस कर्नाटक विधानसभा में लगा क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाया, कुछ इनोवेटिव हो ही नहीं पाया। आप भी इनोवेटिव नहीं दिया, पुराना ढर्रा, हत्या उत्या का भी हम लोग हॉलीवुड के फिल्म से सीख रहे हैं, अपना बॉलीवुड कुछ नहीं दे रहा है, अभी तक गोली से काम इसका चल रहा है, जाल पुरानी गर्दन में गमछा उमछा लपेट के मारना, बम तम फेंकना, इनोवेटिव कुछ नहीं है यहाँ तो, तो जीवन मरण कुछ इनोवेटिव, ऐसे में हम लोग को भी बहुत काम करना है। तो वो जो उपन्यास है इस बात पर है कि हम कहाँ तक आए हैं, एक गाँव की कहानी है, गाँव का सोसाइटी कैसे बदला है, और एक पंचायत चुनाव के दायरे में पॉलिटिक्स क्या भूमिका आपके जीवन में निभाता है, उस गाँव की कहानी। क्योंकि वही जो हम लोग अभी बात ही कर रहे थे अपने कल्चर वगैरह पे, कि हम लोग एक ऐसे समय में, मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र के जो भी युवा जो 32-33 साल वाले हैं, ये ऐसे समय में पैदा हुए हैं, ये इक्वेटर पर खड़े हैं भूमध्य रेखा पे, इधर मकर इधर कर, जाती हुई बद तहजीब है, आती हुई बदमिजाजियां है, मतलब हमने तहजीब देखा है अपने आंखों से कम हमें पता है, और लेकिन आते हुए बदमिजाजियां भी देख रहे हैं। तो हम लोग बड़े चक्कर में फंसे हुए लोग हैं, बड़ा अजीब समय में पैदा हो गई, या तो 50 साल पहले होते या 50 साल बाद जो फाइनल होता पहले हो जाता कि ये 5G है या 6G इसी में चल रहा है, इसी स्पीड में, अभी पता नहीं 2G हमारे ही टाइम में, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा 3G हमारे टाइम में, हमारा स्पीड अभी सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, किस स्पीड में चलना है, मीटर फिक्स ही नहीं हो पा रहा है ना, रोज नया हो रहा है कुछ भी है। तो ऐसे में आपकी जो पीढ़ी के, हमारी पीढ़ी के जो बच्चे हैं जो नए अभी आ रहे हैं हमारे बाद के, इनको गाय के, इनको कहिए दूध दूह लो, दूध ले आओ, बैल के आगे बाल्टी रख देते, लेकिन इनको मोबाइल में वर्जन बताइए कौन है तो बता देगा आईफोन का कौन सा वर्जन है, इतना छोटा बच्चा है, ये पैटर्न ऐसे खोलता है मोबाइल का, लगता है आइंस्टीन पैदा होगा आपको, लगा आपको लगता है वैज्ञानिक होगा, ये पैटर्न खोल देता है मेरा, आपको इसी से लगता है यार गजब जीनियस बच्चा है, भैया वो यही देख रहा है, हम भी 9 वर्ष में चक्कू चलाते थे गजब, मेरे वही खेलता है, हम अपने सेठ जी का आम का बाड़ी इतना कांटी लगाया था, इतना बेचारा देसी बोतल तोड़ तोड़ के दारू का सीमेंट में डाल दिया था, सब फांक जाते थे, हमको भी सोचना होता था जिम्नास्ट होगा चीन से ही चीने का स्वर्ण पदक, अपने अपने समय का है, ये जीनियस होने का नहीं। तो आपको लगता है कि नहीं लड़का जीनियस, मोबाइल तो आप सुनाते हैं, पता नहीं देखिए ना व्हाट्सएप कर देता है जिसको जो मन शो, एक दिन जो मन शो कर देगा देखना, संभालिए ऐसे बच्चों।
तो ऐसे लोगों के लिए कि उसको भी बता पाइए जो आपको बोलता है मामा तुमने ये देखा है, देखो ये है आज का समय, तो उन बच्चों को आप बताइए कि देखो बेटा क्या क्या बचा के रखना ये कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे भरे खेत रख लो, रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए शान के, कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। बलेंद्र द्विवेदी जी उनकी किताबें मैंने पढ़ी, हर पेज को 10 बार यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो उसका साहित्य क्या है उसके अंदर आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसे लेखक मैंने साहित्य अकादमी में बहुत सी किताबें ऐसी आती हैं जिनका कोई तंगपोच नहीं होती, लेकिन जिस सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा है और जैसा आप बता रहे हैं और जैसा कलाकार को देख करके सामने में कलाकारी है, क्योंकि इतनी कलाएं एक ही आदमी के अंदर आ जाना, शायद वो करनाल के चाणक्य जो अभी आए थे शायद वो भी एक अद्भुत है और ये भी एक अद्भुत है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शायद ये यदि यूपीएससी में पास नहीं हुए इसलिए इन्होंने ये लिखी है, ये पास हो जाते तो क्या ये किताब लिखते, ये पूछना चाहते हैं। हाँ अभी मैं बात कर रहा था मुखर्जी नगर में बैठता था और वहाँ बैठ के जब मैं चूंकि हालांकि मेरा हर पात्र गांजा सिगरेट पीता, मैं नहीं पीता हूँ और शायद नहीं पीता हूँ इस कारण से मैं उनको पिलाता हूँ कि मेरे साथ रख पी, मेरा जो भरपाई है वो तुम पूरा करो। तो मैं जब भी वहाँ बैठ के चाय पीता था बत्रा में तो मुझे लगता था सर, क्योंकि मनोज वाजपेयी वहाँ से, जब वो मेरे मकान मालिक के बगल में मनोज वाजपेयी वहाँ रहते थे तो कहते थे यहाँ मनोज वाजपेयी रहता था और इसी बत्रा में उसका सिनेमा लगा था जब पहली बार मैं देखने गया था। तो ऐसे ही मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार मुखर्जी नगर में लोग मुझे भूले नहीं, मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा, आईएएस तो बन जाऊंगा तो यार कौन यहाँ याद रखता है, हर दिन नए लोग आ रहे हैं और फिर जिला में कुछ कर पाऊंगा तो जिला के लोग जानेंगे, नहीं कर पाऊंगा तो वो भी नहीं जानेंगे, बहुत लोग तो इसलिए जानेंगे भी एक आया था भ्रष्ट ऑफिसर कुछ लोग तो आप इसलिए भी जानते हैं, अच्छा हुआ चला गया और फालतू था ऐसे। तो ये मन में मेरा लालच था कि मैं यहाँ की क्या करके जाऊँ जो मुझे मुखर्जी नगर नहीं भूले, और यहाँ एक बार मैं टंग जाऊँ अगर पोस्टर में तो मैं उतरू नहीं। तो उस वक्त से मेरे मन में था कि मैं लिखूंगा जरूर, तभी मुझे लगता था मैं सफल होकर लिखूंगा, मुझे लगता है कि अगर मैं आईएएस बन के लिखता तो मैं इतने तेवर के साथ इसको नहीं कह पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सोना आग में है उसकी चमक और उसकी दमक का मुकाबला हाथ की अंगूठी वाला सोना नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है उसमें नगीना लग जाने के बाद सोना ठंडा हो जाता है जो आप हाथ में पहनते हैं, वो जो भट्टी का सोना है, तो मुझे लगा मैं भट्टी में जलते हुए जब लिखूंगा तो ये मेरा, अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होना है, मुझे अपने करियर के बारे में भी मुझे नहीं पता है, मैंने एक जोखिम भरा रास्ता चुना है और इस जोखिम भरे रास्ते में मुझे अभी अपने भट्टी में जलने के डर से खाक होना है या तपने के आनंद से मजा लेना, मुझे यही तय करना है, तो मैंने जलने और तपने में चुना है। बाकी भगवान नाउ मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर जीएम खन्ना द खान टू कम ओवर एंड फेलिसिटेट निलोत्पल जी विद One, the books are here. You can collect one book and get it signed by Nilotpal ji. I think he will love signing the books to you. One book per person. Yeah.